एक इन्फेंट्री सोल्जर होने के नाते जब तक मेरे जान में जान है तब तक मैं हथियार उठा के एलसी भी जहाँ कहीं भी हो जिस भी पोस्ट पे जाना पड़े वहाँ पे जाके मैं अपनी ड्यूटी करूँगा। ये जो इन्फिल्ट्रेशन होते हैं वहाँ से पाकिस्तान से उनको मार गिराने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। क्या हमसे बाहर निकला तो एक प्रेरणा एक खून उबल जाता है कि आज मेरा मुकाबला होगा। अपने देश और अपने काम उसमें कभी जवान हमारा पीछे नहीं हटता। तकलीफ है लेकिन तकलीफ उठाने के लिए हम लोग ट्रेनिंग किया है। सर हर एक इन्फेंट्री सोल्जर के अंदर देश के लिए मर मिटने का जोश कुट कुट के भरा होता है। यहाँ कई बार हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखते हैं पर मोर्चे पर जमे जवानों की हिम्मत की दाद दीजिए जिनकी इजाजत के बिना परिंदे भी पर नहीं मारते। LOC भारत पाकिस्तान के उसी बॉर्डर का उत्तरी हिस्सा है जो अरब सागर से शुरू होकर सियाचिन की बर्फीली तलहटी में गल जाता है। हिमालय और उसके पार की बर्फीली चोटियों के बीच तीखे ढलानों वाली ये घाटियां आम लोगों का हौसला भले पस्त कर दें लेकिन सरहद की सुरक्षा में लगे जवान यहां आंखें जमाए रहते हैं। जाड़ा गर्मी और बरसात से ऊपर दिन और रात से बेपरवाह यहां पसरी शांति सिर्फ कहने को है। बीते सालों में यह भरोसा कई बार टूट चुका है और अब तक हजारों जवानों की जान ले चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह लाइन अप कंट्रोल जहां न खत्म होने वाली लड़ाई चल रही है। दुश्मन सामने नहीं दिखता लेकिन कब किधर से हमला हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लिहाजा जवान 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। कैसा भी मौसम हो दिन हो या रात कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर कैसे सेना LOC पर पाकिस्तान की ओर से चलाई जा रही प्रॉक्सी वार का मुकाबला कर रही है यही जानने और समझने की कोशिश है सीधे LOC से। विदाई एक शहीद की तिरंगे में लिपटे हवलदार श्यामलाल को सलामी देते आला अफसर और साथी जवान जो आतंकियों से हुई एक मुठभेड़ में कुर्बान हो गए। LOC पर तैनात जवानों को अब इसकी आदत सी पड़ चुकी है। दस बारह गोलियां इकट्ठी आ रही हैं ऊपर से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं जा रहे हैं। मैं वही जगह था जहाँ गेट के सामने था। एक शॉप थी दुकान थी पुरानी हो गई थी मुँह उसके नीचे था तो जब मैं राइट से कर रहा हूँ तो राइट कवर आ रहा तो मैंने लेफ्ट शोल्डर से फायर करना शुरू कर तो लेफ्ट शोल्डर से फायर किया तो मेरा ये लेफ्ट पैर आगे चला। ओहो अच्छा। अब ये इस पाँव पे अभी मेरे को शूट हो गया हालांकि मुझे पता नहीं चला। बीते 21 सालों में करीब 4,800 सैनिक शहीद हुए हैं। NDTV's क्रिकेट ऐप एंड्रॉइड एंड आईफोन फास्टेस्ट स्कोर कार्ड स्पेशल एनालिसिस एंड मच मोर डाउनलोड फ्री NDTV.com/apps